वेलकम एवरीवन, टीटीसी जोधपुर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार चंगेरिया। आज हम सब्जेक्ट सीई 207 सिविल इंजीनियरिंग का कंक्रीट टेक्नोलॉजी 207 कोड का टॉपिक ले रहे हैं 11.2। विद्यार्थियों, बीटीआर के सिलेबस के अनुसार 11.2 टॉपिक वेरिएबल इन प्रोपोर्शनिंग और कंक्रीट मिक्स डिजाइन, ये टॉपिक अभी हम ले रहे हैं। तो इससे पहले वाला जो वीडियो आपने देखा होगा 11.1 इंट्रोडक्शन, उसमें हमने देखा कि कंक्रीट मिक्स डिजाइन क्या होता है और कंक्रीट मिक्स डिजाइन में कौन कौन से वेरिएबल हम काम में लेते हैं और उसकी टाइप क्या क्या है। तो आज हम इन वेरिएबल की प्रोपोर्शनिंग के बारे में देखते हैं। एक कंक्रीट मिक्स को उल्लेखित करने के लिए दिए गए मटेरियल सामग्री के साथ साथ निम्न चार अवयव या घटक काम में लिए जाते हैं। और ये अगर आप सिटी पढ़ते हो तो बहुत वेल नोन कॉमन ये फैक्टर्स हैं या घटक हैं। पहला है वाटर सीमेंट रेशियो, जल सीमेंट अनुपात, ये पहला वाला है। दूसरा है सीमेंट कंटेंट, सीमेंट कंटेंट को सीमेंट एग्रीगेट रेशियो भी कहते हैं। तीसरा है ग्रेडेशन ऑफ द एग्रीगेट, एग्रीगेट की ग्रेडिंग के बारे में, उसका ग्रेडिंग का कोफिशिएंट, ग्रेडिंग का अनुपात कैसा है। और चौथा है कंसिस्टेंसी। ये चार घटक हैं जिनको हम डिजाइन करते हुए काम में लेते हैं। सामान्यतः उपरोक्त चारों कारक परस्पर निर्भर करने वाले चर हैं। ये चारों वेरिएबल हैं और इनकी वैल्यू कुछ भी अलग अलग ले सकते हैं या निकल के आती है, और हम इनमें से कुछ कारक या ये जो फैक्टर्स हैं इनकी वैल्यू हम लेते हैं और कुछ को उनसे कंट्रोल करते हैं, तथा इन्हें कोई भी अज्ञात मान नहीं लिया जा सकता। इनका कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू नहीं ले सकते हैं अपन। सामान्यतः दो या तीन कारकों को निर्दिष्ट किया जाता है। दो तीन फैक्टर को तो हम स्पेसिफाई कर देते हैं तथा शेष कारकों को स्वीकार्यता तथा मितव्ययता के लिए समायोजित किया जाता है। तो इन दो तीन फैक्टर्स को कुछ वैल्यू मान लेते हैं और फिर उससे हम बाद में वर्केबिलिटी के लिए और मितव्ययता के लिए डिजाइन करते हैं ये मिक्स डिजाइन। तो उनको इस तरह से समायोजित किया जाता है। जैसे वाटर सीमेंट रेशियो, जिसको जल सीमेंट अनुपात कहते हैं, पेस्ट सीमेंट अनुपात के कम होने को व्यक्त करता है। जैसे जैसे वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाओगे तो पेस्ट सीमेंट अनुपात कम हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, सीमेंट पेस्ट की मात्रा के साथ ही सीधा बदलता है वाटर सीमेंट रेशियो। तो एक कारक को हम बदलते हैं, एक फैक्टर को बदलते हैं तो दूसरा भी बदल जाता है। तो दिए गए फाइन एग्रीगेट तथा कोर्स एग्रीगेट की मात्रा के द्वारा एग्रीगेट की ग्रेडेशन को नियंत्रित किया जा सकता है। अब इसमें ग्रेडेशन ऑफ एग्रीगेट कैसे कंट्रोल करते हैं, उस एग्रीगेट की ग्रेडिंग करके। फाइन एग्रीगेट तथा कोर्स एग्रीगेट की मात्रा दे रखी है तो उसकी जो कितनी मात्रा आएगी कोर्स एग्रीगेट की और फाइन एग्रीगेट की, मास कितना आएगा, उसका वेट कितना कितना लेना है, वो एग्रीगेट की ग्रेडिंग करके नियंत्रित किया जा सकता है कि कितने ग्रेड का कंक्रीट, उसका ग्रेडेशन कितना होगा, गुणांक उसको निकाल कर हम कंट्रोल कर सकते हैं। कंक्रीट की क्षेत्र में वास्तविक प्लेसिंग के आवश्यकता अनुसार सघनता प्राप्त की जाती है। अब इसकी कंसिस्टेंसी कैसे प्राप्त की जाती है, जो प्रैक्टिकल जो वैल्यू है हमें वास्तविक प्लेसिंग के दौर प्लेसिंग से जो मिलेगी। कंक्रीट को जब हम क्षेत्र में प्लेस करेंगे तो उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है
उसके अनुसार कंसिस्टेंसी प्राप्त की जाती है। मतलब फील्ड में इस कंक्रीट को लगाने के लिए कितनी वर्केबिलिटी चाहिए, कितनी कार्य करने की सुविधा चाहिए, प्लेसिंग की क्या क्या आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है, उसके अनुसार कंसिस्टेंसी का मान रखा जाता है, लाया जाता है, उतना कंट्रोल किया जाता है। इस प्रकार कंक्रीट मिक्स डिजाइन के अनुपात को निकालने से सीमेंट पेस्ट का न्यूनतम उपयोग अतः कम सीमेंट की लागत तथा सुकार्यता के साथ मिलती है। देखो जब हम कंक्रीट मिक्स डिजाइन करते हैं तो हमें एक सीमेंट पेस्ट की एक अनुपात मिलता है। ये सीमेंट पेस्ट का ये जब न्यूनतम होगा तो इसकी सीमेंट की लागत कम हो जाएगी। कंक्रीट मिक्स जो हम डिजाइन कर रहे हैं वो वर्केबल होगा और इकोनॉमिक होगा। जब कंक्रीट फ्रेश कंक्रीट है तो इसमें सुकार्यता मिलती है, और जब ये कंक्रीट जमने लग जाती है तो ये सीमेंट का पेस्ट है ये इन एग्रीगेट के कणों को जोड़ने का काम करता है, और सीमेंट कण एग्रीगेट के मध्य स्थानों को पड़ता है, और सूखने पर सीमेंट के कण जो बीच में वॉइड है कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट के बीच में, और फाइन एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट के बीच में, वो सीमेंट के कण उन वॉइड्स को फिलअप करते हैं। तो इस प्रकार कंक्रीट मिक्स डिजाइन में सीमेंट पेस्ट के अनुपात को रखा जाता है और इस तरह से वो कार्य आता है। यदि सीमेंट पेस्ट की अधिकता है तो लागत बढ़ जाएगी। तो सीमेंट पेस्ट मतलब सीमेंट की मात्रा अधिक है तो सीधा उसका मिक्स डिजाइन का कॉस्ट बढ़ जाएगा, तथा सूखने पर श्रिंकेज भी ज्यादा होगा। ज्यादा सीमेंट होगी तो ज्यादा श्रिंकेज होगा, तो पानी के रिसाव भी ज्यादा होगा, रिसाव परकोलेशन की संभावनाएं ज्यादा होगी, अतः वातावरणीय प्रभाव अधिक होंगे तथा जल का कंक्रीट पर आक्रमण या क्षय बढ़ेगा। तो ज्यादा सीमेंट होने से श्रिंकेज हो जाएंगे, उसमें क्रैक्स आ जाएंगे, क्रैक आने से जो एटमॉस्फेरिक वेदरिंग है वो एक्शन बढ़ जाएगा, और वो जो वातावरण का जल है वो कंक्रीट को प्रभावित करेगा। इस परिस्थिति से बचने के लिए वॉइड्स या रिक्तियों को कम से कम रखा जाता है, जो कि एक अच्छे ग्रेडिंग गुड ग्रेडिंग करके प्राप्त की जा सकती है। वॉइड्स को कम कैसे रखा जा सकता है? इसमें एक अच्छे ग्रेडिंग गुड ग्रेडिंग करके प्राप्त की जा सकती है। उसमें कम वॉइड्स होंगे, रिक्तियों को कम से कम रखा जाना है, तो गुड ग्रेडिंग करना होगा। तो प्रिय छात्रों, ये ग्रेडेशन का प्रोपोर्शन का एक छोटा सा टॉपिक है कंक्रीट मिक्स डिजाइन में, वेरिएबल्स इन प्रोपोर्शनिंग। इसका जब एक आप एक उदाहरण करेंगे तो आपको सब समझ में आएगा कि ये कौन कौन सी वैल्यू किस तरह से ली जाती है। तो अभी के लिए इतना ही है, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है और केवल समझने के लिए है। इसका प्रश्न बन सकता है वेरिएबल कौन कौन से हैं और उनके क्या क्या प्रभाव है, वो किस तरह से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, कोई भी प्रश्न बन सकता है। ऑब्जेक्टिव टाइप बहुचयनात्मक प्रश्न भी इसका बन सकता है, तो आप इसका अध्ययन ठीक से करें। आपके कोई प्रश्न है तो कमेंट्स में लिखिए। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार चंगेरिया है, ये वीडियो आपके लिए हमने जीपीसी बांसवाड़ा इस कॉलेज से बनाया है। ये जीपीसी बांसवाड़ा की साइट पर तथा टीटीसी जोधपुर की साइट पर उपलब्ध है। आगे भी इसी तरह से वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आपने इस वीडियो को देखा, उसके लिए धन्यवाद। मैं धर्मेंद्र कुमार चंगेरिया।